सो हेलो गाइस, आज मैं आपको मैराथन नेक्सॉन जो पनवेल में है उसके बारे में बताऊंगा। जिसको भी लेविश लाइफ जीने का शौक है, जिसको भी लेविश लाइफ रहने का है, वो पनवेल मैराथन में आ सकता है सस्ते में। ज़्यादा सस्ता नहीं, ज़्यादा महंगा नहीं, मीडियम में, लेकिन आपको लग्जरी लाइफ जीने को मिल सकती है यहाँ पे। तो मेरा वीडियो आज इस पर ही है, आपको मैं टूर कराता हूँ। मैंने जहाँ पे अभी घर लिया है वो भी मैराथन में ही लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसा है। अभी जो मैं बिल्डिंग में रहता था वो रीडेवलप में गई है, तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। तो मुझे भी ये शौक था तो मैं यहाँ आ गया हूँ, क्योंकि मैराथन में रहने का मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके फायदे भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको घर का टूर कराता हूँ कि यहाँ पे कैसे घर होते हैं और कैसे फ्लैट्स होते हैं और कैसे रूम सब वगैरह होता है, वो मैं पहले आपको बताता हूँ। आप वो देख लो, फिर आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी घर आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, पहले शुरू करते हैं हॉल से। देखो ये ऐसे हॉल है, बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा हॉल है। यहाँ पे देखो काफ़ी बड़ा हॉल है। 11th फ्लोर पे मेरा फ्लैट है। ये 33 फ्लोर्स का ये बिल्डिंग है पूरा मैराथन। बहुत ही अच्छे से ये बनाया है एकदम। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हॉल में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गैलरी है। अभी हम लोग शिफ्ट हुए तो थोड़ा सामान इधर उधर पड़ा है, तो आप थोड़ा ये गैलरी, इतनी बड़ी गैलरी मिल जाती है हमें, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। कुछ भी आप सामान भी यहाँ रख सकते हो। और ये देखो गाइस बिल्डिंग, वाओ, मतलब आपको लेविश लाइफ जीने का बिल्डिंग से व्यू देखो गाइस। नीचे ये देखो, ये स्विमिंग पूल भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, बच्चे लोग के लिए टर्फ मिल जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और सिक्योरिटी बहुत अच्छे से बच्चों की हो जाती है। अगर आप ऊपर हो और बच्चे नीचे खेल रहे हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है। देखो गार्डन भी यहाँ पर मिल जाता है, देख रहे हो आप। और यहाँ पर और भी काम चालू है, और भी बड़े गार्डन मिल रहे हैं। तो ये देखो बिल्डिंग, यहाँ से गैलरी का व्यू। अब मैं आपको लेके चलता हूँ किचन के। और सो गाइस, ये रहा हमारा किचन। सामान थोड़ा मैसी पड़ा है तो आप माइंड मत करना। ये किचन देखो बना के लिया है ऐसे, बहुत ही मस्त किचन भी, बहुत स्पेस अच्छा है यहाँ पे। आपको सब कुछ मिल जाता है फ्रिज वगैरह रखने के लिए, ऐसे आप भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है वैसे तो। ये देखो किचन, और किचन में भी हमें एक छोटी गैलरी मिलती है जहाँ पे हम वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। यहाँ पे काम करते करते आप ऐसे नीचे बच्चे का ध्यान रखे अगर खेलने गए तो, और ये सब भी देखने को मिलता है व्यूज, ठीक है। अभी मैं तुमको बेडरूम की ओर लेके चलता हूँ। सो गाइस, यहाँ से हम लोग निकलते हैं किचन से, तो ये पैसेज एरिया है। यहाँ पे मैंने वाईफाई लगाया हमारा, और देखो यहाँ पे भी एक वॉश बेसिन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी, फिर यहाँ से एक रूम दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ये रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है, कोई टेंशन नहीं। आपका बेड, कबर्ड सब आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से भी अगर आप व्यू देखो तो यहाँ पे भी अच्छी से विंडो दी है। यहाँ से भी हम रूम में बैठे बैठे भी व्यूज, ये देखो यहाँ से भी पूरा व्यू मिल जाता है हमें। मतलब शाम के टाइम तो बहुत ही बढ़िया लगता है गाइस। अगर आप यहाँ पे सचमुच रहोगे ना तो आपको पता चलेगा यहाँ पे रहने का क्या है। ये सब रेंट वगैरह भी क्या है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। गार्डन वगैरह बच्चों के लिए देखो यहाँ से सब दिखता है, ठीक है। मैं चलता हूँ अभी दूसरे बेडरूम की ओर। गाइस, पहले बेडरूम से जाने से पहले हम बाथरूम दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे रूम से निकले, यहाँ पे इतना बड़ा वॉशरूम है कि आप सो के भी नहा सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको नहाना है। देखो ये जस्ट मैं शिफ्ट हुआ तो सामान यहाँ वहाँ पड़ा है। गीज़र भी लगा हुआ है, कंपनी फिटिंग ही, मतलब मैराथन की तरफ से ही गीज़र मिला है, ठीक है। देख लो आप कितना बड़ा टॉयलेट है। यहाँ से मैं अगर देखूँ तो यहाँ से फिर ये दूसरा रूम होता है, ये डोर है, तो मैं रूम में एंटर करता हूँ। ये थोड़ा मास्टर बेडरूम, ये बड़ा बेडरूम है। सो गाइस देखो, ये एक बड़ा बेडरूम है, यहाँ पे भी आपका कबर्ड वगैरह, और इसमें एक बाथरूम अटैच है। ये भी काफ़ी बड़ा बाथरूम है, यहाँ पे भी वॉश बेसिन, टॉयलेट, और हमें सब गीज़र वगैरह, शावर वगैरह सब मिलता है। बहुत ही बड़ा टॉयलेट है ये भी, ठीक है। ये रूम में भी एक विंडो है जहाँ से भी हम सारा व्यू देख सकते हैं। शाम के टाइम तो गाइस मैं यहाँ पे जब बैठता हूँ चाय लेके, वो क्या लगता है गाइस, मतलब बहुत ही अच्छी, तो मैं ताज़ी हवा भी यहाँ से आती है सुबह संडे को, यहाँ से भी व्यू देखने को मिल जाता है। ये 2 BHK फ्लैट, अभी मैं बात करूँगा आपसे कि कितने में आप यहाँ पर घर ले सकते हो और कैसे आप यहाँ पर आ सकते हो, ओके।
सो गाइस, घर का टूर तो मैंने करा दिया, उम्मीद है कि आपको सब अच्छा लगा होगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर आपको आना है, अगर वैसे ही आपको अगर खरीदना है घर, खुद का घर खरीदना है, तो कुछ 85-90 लाख तक यहाँ पे 2 BHK फ्लैट ये वाला आता है। ओके, और आप रेंट पे भी रह सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा रेंट पे अगर आपको जीना है और इतना डेविश लाइफ रहना है, अगर पैसा इतना नहीं है, तो आप यहाँ पे रेंट पे आके थोड़ा 1-2 साल गुजार सकते हो, ताकि ये भी एक्सपीरियंस हो जाए लाइफ में। तो रेंट पे आपको इतना बड़ा फ्लैट मिल जाता है 18,000 से 20,000 तक। ओके, और इससे एक छोटा फ्लैट भी आता है 1.5 जिसे बोलते हैं, वो एक आपको 14,000-15,000 तक रेंट पे मिल जाता है। और इसके साथ साथ आपको स्विमिंग पूल, जिम, टब, बच्चों को खेलने के लिए सब कुछ यहाँ पे, सिक्योरिटी, लिफ्ट भी बहुत बड़ी बड़ी है, मैं वो आपको भी कभी दिखा दूंगा लिफ्ट वगैरह भी, मैं घर का ही सब बता रहा हूँ आपको। तो ठीक है, तो आप ये सब कर सकते हो गाइस, तो यहाँ पे आओ और रहो और एंजॉय करो। बाकी लिफ्ट सामान शिफ्ट करते हैं तो लिफ्ट चार्जेस आपको देना पड़ता है, ठीक है, जो 2000 का वो लोग लेते हैं सोसाइटी ऑफिस, और प्लस रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर होता है, पुलिस वेरिफिकेशन सब कुछ होता है, सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है यहाँ पे, तो उसका कुछ 4000 आपको पे करना पड़ता है। बाकी डिपॉजिट वगैरह अगर रेंट पे आ रहे हो तो कुछ 50-70,000 आपको देना पड़ेगा बस। और 1.5 जैसे मैंने बताया, आप 14,000 में भी ले सकते हो, और बड़ा लेना है तो 18-20,000 में भी आ जाता है, ठीक है। मैंने तो बड़ा लिया क्योंकि हम लोग दो भाई है, तो दोनों के लिए रूम अलग अलग है। तो आप भी ऐसे आओ और मैराथन की लाइफ जी लो, देख लो पीछे का व्यू कितना प्यारा है यहाँ पे, मैं 11th फ्लोर पे हूँ, आप और ऊपर चले जाना, ठीक है गाइज। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। गाइज रुको रुको कहीं मत जाओ, पहले मैं आपको ये नीचे से व्यू भी दिखा देता हूँ गार्डन का। मैं सोचा ऊपर से क्यों दिखाऊँ, थोड़ा नीचे से भी दिखा देता हूँ। ये गार्डन, ये थोड़ा जिम, ये बच्चों को खेलने के लिए क्रिकेट फुटबॉल इसमें खेल सकते हो आप टफ में। तो गाइज, और ये मेन डोर देखिए गाइज, यहाँ पे खूब सिक्योरिटी, कोई ऐसे आने नहीं देता आपको बिना पूछे। और यहाँ पे देखो बिल्डिंग यहाँ से ऐसे कैसे दिखती है गाइज। सो गाइज मैं तो बोलता हूँ आ जाओ और यहाँ पे रहो। ये है पनवेल में पलसपा फाटक।